मेडिसिन लाइए, पैसा बचाइए। क्योंकि हमें यह लगा कि इस देश में जेनरिक और ब्रांड को लेकर के बहुत ज्यादा भ्रम है और उस पे लोगों को जागरूक किए जाने की जरूरत है और जेनरिक दवाइयों को और ऊपर उसकी चर्चा मंचों पे किए जाने की जरूरत है। जेनरिक दवाइयां ऐसा नहीं है कि वो उसकी एफिकेसी खराब है, गुणवत्ता में कमी है। बाकी अगर सरकार जेनरिक मेडिसिन के लिए कोई भी कंपनी अगर बना रही है, उसको लाइसेंस दे रही है और वो अगर दवा बन रही है कानून के दायरे में, तो निश्चित रूप से वो दवा तो सही होगी। तो इसके बीच में जो मार्केट प्ले जो प्लेयर्स जो है और जिस तरह से प्ले कर रहा था, उसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हम लोगों ने यह कैंपेन शुरू किया। और ये सरकार से भी बीच बीच में पत्राचार होते रहा कि इस दिशा में सरकार क्या कर रही है और सरकार को क्या करना चाहिए। फिर हम लोगों ने और कैंपेन शुरू किया इसी बीच में, आम पब्लिक क्या करे सेहत के नजरिए से मैं बता रहा हूँ क्या क्या हम लोगों ने पहले किया। हमने कहा कि तुलसी लगाइए, रोग भगाइए। तुलसी के पौधे को लेकर के इस तरह के जो भी मेडिसिनल वैल्यू वाले प्लांट्स हैं, उनको लेकर के हम लोगों ने कैंपेन शुरू किया, तुलसी लगाइए रोग भगाइए। और इसके सुखद परिणाम भी दिखने लगे हैं। धीरे धीरे तुलसी के पौधे के जो एक्सेप्टेंस है वो अब मंचों पे भी तुलसी के पौधे दिए जाने लगे हैं और एक तरह से लोगों के मन में तुलसी के पौधे को लेकर के तमाम तरह की बातें अब लोग समझ रहे हैं उस चीज को। उसके बाद 2014 में 2012 से 14 के बीच में यह पूरा कैंपेन मुंबई से संचालित होता रहा, मैं मुंबई में था तब। उसके बाद हम दिल्ली आए 14 में, तो 14 में दिल्ली आने के बाद स्वस्थ भारत ने एक कैंपेन शुरू किया, स्वस्थ नो योर मेडिसिन, अपनी दवा को जाने। दरअसल इसके पीछे जो तर्क है, अमूमन क्या होता है कि हम लोग, मतलब भारत में यह है कि हम खुद में डॉक्टर हैं, खुद में चिकित्सक हैं। डॉक्टर के पास तब जाते हैं जब तक हम 4-5 दवाइयां खुद से ना खा लें, उसके पहले हम चिकित्सक की सलाह ठीक से नहीं लेते हैं। चिकित्सक के पास अगर हम गए भी तो चिकित्सक जो कहता है, डॉक्टर जो कहता है, जो डोज प्रॉपर एक लिखता है, उस डोज को हम पूरा नहीं करते हैं। कई बार ओवरडोज, कई बार लोअर डोज, कई बार कम खाते हैं और कई बार ज्यादा खाते हैं। इसकी समस्या ये हुई कि आज वैश्विक स्तर पे, न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस की समस्या बढ़ रही है और इसमें लोगों की, खासतौर से भारत में, इसका दुरुपयोग तो इस लेवल पे है। मैं कई बार मंचों से और अपने व्याख्यानों में कहता आया हूं कि परमाणु बम से जितना नुकसान किसी देश राज्य को नहीं हुआ होगा, उससे कहीं ज्यादा एंटीबायोटिक ने भारत को नुकसान कर दिया है। कई जनरेशन के एंटीबायोटिक्स आज काम करना बंद कर दिए हैं। तो इस लिहाज से हम लोगों ने लोगों को नो योर मेडिसिन के बारे में समझाना बताना शुरू किया। उसके बाद हमने नो योर फार्मासिस्ट, नो योर डॉक्टर। कई बार डॉक्टर को लेकर भी एक मिसकंसेप्शन लोगों के जहन में है कि डॉक्टर जो है वो बहुत लूटते हैं। आज की स्थिति यह है क्योंकि सारा श्रम, पैसा और इन सब की जरूरत है। मैं मेन मुद्दे की बात आप लोगों से करना चाहता हूँ। अगर आप लोग कोई भी पत्रकार हो या सामान्य नागरिक हो या जैसे भी हो, आपसे जो बन पड़े, जैसा बन पड़े, आप इस अभियान को सहयोग दें। ये हमारा अभियान है, ये मेरा अभियान है, क्योंकि जो स्वास्थ्य का मुद्दा है, ये इस देश में शिक्षा और स्वास्थ्य दो बहुत बड़े मुद्दे हैं। तो आप ये मत सोचिए कि इसमें हमारी, हम बहुत छोटी मदद कर सकते हैं, बहुत बड़ी नहीं कर सकते हैं। छोटी हो या बड़ी हो, मदद करिए। और इस बात की मैं गारंटी देता हूं कि हर इंसान में कुछ न कुछ है जो दे सकता है। मदद आप एक अच्छे कॉज के लिए करेंगे, ये एक इस अभियान को भी बूस्टअप देगा। आशुतोष जी की भी एनर्जी बची रहेगी जिससे कि वो आगे काम कर सके। आप लोगों को पता होगा कि किसी भी काम में, किसी भी यात्रा में, किसी भी कार्यक्रम में, यहाँ तक कि हम लोग यहाँ बैठे हैं, धन की आवश्यकता होती है, बहुत सारे चीजों की आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है। तो जो सहयोग आप दे सकें, अपने संस्थानी सहयोग दे सकें, अपने संस्थान से दे सकें, व्यक्तिगत दे सकें, अगर धन का नहीं दे सकते हैं तो अपने, मतलब आप खुद का कोई सहयोग करें, अपने मित्रों का सहयोग करें, या जहां भी यात्रा जा रही है वहां पे अगर आपका कोई संपर्क है तो आप उन
अपने संपर्कों से इस यात्रा को सफल बनाने में अपना योगदान दें। देखिए, देने की प्रवृत्ति अगर हमारे अंदर होगी तभी हम इस चीज को आगे बढ़ा पाएंगे। मैं आशुतोष जी के साथ कुछ सालों से जुड़ा हुआ हूँ कि आप लोग जब अपने बड़ों को प्रणाम करते हैं तो उनके मुंह से निकलता है आयुष्मान बाबा। आयुष्मान हम तब हो पाएंगे, हमारी उम्र ज्यादा तब होगी, हम स्वस्थ जीवन तब जिला पाएंगे जब हमको पूरा पोषण मिलेगा, हमें वो भोजन मिलेगा जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहे और हम बीमार ना हों। यदि कभी किसी गड़बड़ी की वजह से, मौसम की मार की वजह से हम बीमार हो गए तो हमें सस्ती दवाइयां मिल जाए जिसको जिसका नाम जनौषधि है, जेनेरिक मेडिसिन है, ताकि हमारा पैसा स्वास्थ्य पर न खर्च हो, स्वास्थ्य की बजाय शिक्षा पर, घर बनाने पर, बच्चों की पढ़ाई पर, बाकी चीजों पर खर्च हो। तो मैंने यही सोचा कि जब मेरे बड़ों ने मुझे आशीर्वाद लगातार दिया आयुष्मान भव, इस आशीर्वाद का प्रचार करने के लिए मुझे स्वस्थ भारत यात्रा से जुड़ना चाहिए और मैं इससे जुड़ गया। मैंने अपना संदेश यही दिया कि मैं चलना चाहूंगा उधर।